दिमाग का कौन कहे, हम तो दिल में उतार देंगे, और अगर आप मेरे साथ रहे तो जिंदगी सुधार देंगे। तो स्वागत है ज्ञापन एकेडमी के इस जबरदस्त मैथमेटिक्स क्लास में। ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में, दसवां के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि पता है इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेलेक्ट करके देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को डीपली समझिए बाबू, आप भी बिहार टॉपर बनेंगे। आपका 24 में एग्जाम, 23-24 सेशन है पढ़ने वाले, उसमें आप टॉपर बन सकते हैं। बहुत आसानी से मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मेरे बाबू, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए तो यहां ध्यान से। ये आपको अगर वैल्यू याद हो गया है, साइन थीटा, साइन 30, कॉस 30, कॉस 1 से 1, कॉस 1 8, जो भी होता है, मतलब बहुत सारा होता है, ये होता है बहुत सारा, क्या 6 का 30, 60, 90, 0 करके होता है ऐसे करके। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, बनाइए। और बनाने के बाद से इसमें चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, सेलेक्ट कर लेना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करेंगे एक नंबर की बात करें तो यहाँ 2 है, क्या है 2, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, और बट्टा है तो बट्टा। यहां देखिए, एक फॉर्मूला अगर लगाना चाहे तो 1+10² θ बराबर होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा का फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये लगाइए। नहीं तो अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहां पर लिखिए 1+10 30 का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर है ना इस पर, तो इस पर क्या बैठा दीजिए स्क्वायर, ये 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2, याद रखिएगा 2 अगर बीच में दिख रहा हो ना तो ये ऊपर होता है, कहाँ होता है ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। तो 2 × 1 = 2, बट्टा में हो जाएगा √3, और बट्टा 1+1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। ये हो गया आपका 2/√3, और बट्टा बट्टा का जोड़ कर लीजिए ना, 3 × 3 और ये कितना 4/3 हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर, यानी ऊपर और नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी 2 × 3, और दोनों बीच वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि 4√3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 × 2 हो जाएगा 6, चाहे कटाना दीजिए, 2 × 2 = 4, 3/√2, और कुछ याद है आपको कौन सी कहानी बताए थे, जब भी नीचे रूट देखिए सेम टू सेम ऐसे ही 2 बार लिख दीजिए, कितना बार 2 बार लिख दीजिए, तो सेम टू सेम लिख दीजिए √3 और √3। आप कहिएगा सर आप 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई में रहता है तो जरूरत नहीं होता है। यहाँ गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना, इसमें तो गुणा नहीं हो पाएगा, और ये 3 × 3 हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये दोनों को मिला के सिर्फ 3 निकलेगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 से 3 काट दो, √3/2 बचा। आप बताइए √3/2 किसका फॉर्मूला होता है, ऐसे अगर त्रिभुज बनाए 1, 2, √3, तो √3/2 यानी लंब बटा कर्ण किसका होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का, यानी साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए 60 के लिए होता है लंब और कर्ण, यानी साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा। √3/2 किसका होता है, साइन 60, इसमें देखिए तो कहीं साइन 60 है, ए इज अ राइट आंसर। सिंपल है मैथमेटिक्स ना, बहुत हलवा है, बहुत इजी है, बस इसको यहाँ उतार लीजिए ना, यहाँ देखिए ये वाला हो गया फर्स्ट नंबर, आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको साफ करते हैं क्लीन। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, वैल्यू भरिए आंसर लाइए, वैल्यू भरिए आंसर लाइए, पुट द वैल्यू एंड आउटपुट कुछ निकल जाएगा, कुछ इन कीजिएगा कुछ आउट निकलेगा, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 नंबर देखिए, 1 − 10 = 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का इसका 10 = 45 होता है 1 का स्क्वायर, 1 और 1 ये तो डायरेक्ट दिख रहा है यार, 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बट्टा में 1+1, 1 में से 1 जाएगा 0, बट्टा में 2। जब हमारा सबसे ज़बरदस्त मैथ, 0 में मैथ होता है हीरो, याद रख लीजिएगा, मैथ जो ये 0 होता है मैथ का हीरो, कैसे देखिए ना, 0 है और नीचे 2 है, 0 कहीं लग जाए सब कुछ को 0 बना देता है, ठीक है, यानी इसका कहानी खत्म हो गया, यानी सब मिला के 0 है। तो इसमें देखिए 0 किसका होगा, तो 0 किसका होता है, यहाँ पे खुद 0 है, डी का आंसर हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर। सिंपल है, वैल्यू भरिए, कुछ इनपुट कीजिए, कुछ आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसका थोड़ा सा मस्ट VVI क्वेश्चन, इसको बाबू टिक कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a, इसका वैल्यू निकालना है, a का मान निकालना है, तो यहाँ लिखा है sin 2a = 2 sin a,
इतना है। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा ए मतलब टू साइन ए इंटू कॉस ए, यही फॉर्मूला होता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, इस पर भी ये बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन टू थीटा यानी कि टू साइन ए इंटू में कॉस ए, अब बराबर ये हो जाएगा टू साइन ए, इधर वाला वैसे ही लिख दिए, टू साइन ए से टू साइन ए खत्म हो गया कितना बार में, एक बार में, कॉस ए बराबर हो गया वन। आप बताइए क्या बोला है, ए का मान निकालना है, तो एक काम कीजिए यहाँ कॉस लिख दीजिए, यहाँ पे कॉस ए बराबर वन, इतना तो आप कर सकते हैं। आप बताइए कि कॉस का वैल्यू किसी फॉर्मूला में वन होता है तो कॉस कितना का मान, ये उतार दीजिए ऐसे ही, कॉस ए का मान कैसे निकलेगा, जब ये कॉस हट जाएगा तो ए का मान निकल जाएगा कि नहीं, लेकिन ये हटेगा कैसे, जब इधर कॉस होगा तो कॉस से कॉस काट देंगे ए का मान निकल जाएगा। तो वन का फॉर्मूला कोई ऐसा होता है जिसमें कॉस हो, तो यहाँ देखिए कॉस जीरो का मान होता है वन, क्या होता है कॉस जीरो का मान वन होता है, तो वन की जगह कॉस जीरो, कॉस से कॉस खत्म, ए बराबर हो गया जीरो। तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइन टू ए बराबर ये टू आगे आ जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसको याद कर लीजिए, यानी कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका भी ये मस्ट वी वी आई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये कितना नंबर का है, तीन नंबर का था, मस्ट वी वी आई, भागे भरोसे आई वाला नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए चार नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा चार नंबर क्वेश्चन, इजी है ये भी, इजी है, बहुत आसान है। देखिए वैल्यू भरिए आंसर पाइए, कैसे, टू टेन, टेन तीस का मान कितना होता है, टेन तीस का मान रट लीजिए वन बट्टा रूट थ्री होता है, और बट्टा वन माइनस टेन तीस का मान होता है वन बट्टा रूट थ्री का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, अब ये हो जाएगा दो एक कम दो रूट थ्री और बट्टा, ये हो जाएगा वन माइनस एक का स्क्वायर एक, और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो इसका बचा तीन, तीन एकम, ये थोड़ा सा बना लीजिए टू बाई रूट थ्री और बट्टा तीन एकम तीन, और तीन बट्टा का घटाव करने आता है ना वो कर लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन वाला माइनस वाला है, तीन एकम तीन में से एक जाएगा तो हो जाएगा दो बट्टा में तीन, ऊपर नीचे ऊपर कर दीजिए तो दो और तीन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और दोनों बीच वाला नीचे कर दीजिए तो हो जाएगा टू रूट थ्री, इतना तो कर सकते हैं, टू से टू खत्म हो गया, बच गया थ्री रूट थ्री, और जब भी भविष्य में कभी नीचे रूट दिखे तो उसका रेशनलाइजेशन यानी परमेकरण कर दीजिए, यहाँ पे रूट थ्री और बट्टा दो बार, इसी को लिख देना परमेकरण कहलाता है, परमेकरण किसे कहते हैं, तो रूट वाले को दो बार ऐसे ही लिख दीजिए वो परमेकरण है, गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री, तीन त्रिका नौ, नौ का वर्गमूल तीन, तीन से तीन खत्म, बच गया रूट थ्री, आप बताइए रूट थ्री किसका मान होता है, तो रूट थ्री होता है टेन साठ का मान, किसका मान होता है टेन साठ का मान होता है। तो इसमें देखिए तो कहीं कुछ लिखा है ऑप्शन में, यहाँ देखिए कॉस साठ साइन साठ टेन साठ, यहाँ पे सी इज अ राइट आंसर, तो ये बहुत आसान है, इसको अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मज़ेदार लग रहा है ना, मैथमेटिक्स ना बड़ी आसान होता है, और मैथमेटिक्स दिल वालों के लिए है, जिसके पास दिल है ना समझो मैथमेटिक्स फील करेगा, बहुत मज़ा लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक बार लाइक के बटन को ज़रूर दबाएगा, और अपने जो प्यारे दोस्त हैं ना एक बार उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको क्या करें बढ़िया से समझ जाए। तो फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे दो नंबर में पूछेगा, आपसे दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत आसान है, क्या कर रहा है, देखिए 10 a plus b बराबर root 3 and यानी और 10 a minus b बराबर 1 by root 3, और यहां कुछ नौटंकी कर दिया, नौटंकी नहीं है, बता रहा है, कह रहा है कि a और b का जो भी मान होगा ना वो जीरो से बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा, ये बड़ा का मतलब क्या, जिधर मुंह रहता है ना खुला हुआ उधर बड़ा होता है, जिधर पूंछ होता है ना वो छोटा होता है, तो खुला हुआ है ना, तो a और b जीरो से बड़ा है, और इससे क्या है, यहां देखिएगा या a और b को दोनों को जोड़ दिया या तो 90 आएगा, 90 के बराबर आएगा, यहां बराबर का सिंबल है ना, देखो बराबर आएगा, या फिर क्या हो जाए 90 से छोटा होगा, लेकिन 90 से तो बड़ा नहीं होगा, 90 के बराबर तक, इसका मतलब होता है या तो या इससे क्या होगा a और b से ये वाला 90 बड़ा है, या फिर इससे क्या है 90 बराबर है, तो ये बराबर, अब दो बार ऐसे बराबर नहीं लिखता है, एक लाइन इसका और इसका लेके समझिए कि वो बराबर होता है। तो बोल रहा है कि a और b मेन यही तो है, यही तो है, a और b का मान निकालना है, आप बताइए यहाँ से a और b का मान निकालना हो तो 10 को हटाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, 10 को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए बराबर के इधर 10 रहेगा तब ना 10 से 10 काट देंगे, तो कोशिश कीजिए ये चीज़ कि रूट तीन 10 में किसका वैल्यू होता है, तभी तो 10 से 10 काटेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 10 a plus b,
और हम बता रहे हैं टेन साठ का मान कितना होता है, टेन साठ का मान होता है रूट थ्री। टेन से टेन खत्म हो गया, ए प्लस बी बराबर साठ डिग्री, समीकरण इसको मान लीजिए ए। दूसरा देखिए, ए और बी निकालना है ना, तो इस टेन को हटाना पड़ेगा, तो ये भी जो फॉर्मूला होता है ना वन बटा रूट थ्री, ये टेन के टर्म में कुछ होता होगा, यानी इसी प्रकार, इसी प्रकार ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी, इस बार है प्लस नहीं, ए माइनस बी बराबर क्या है वन बटा रूट थ्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी, और यहां पे होता है टेन तीस का वैल्यू, टेन से टेन खत्म हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री तीस, समीकरण दो। अब कहोगे सर हमको ए और बी का मान निकालना है, एक अजीब अजीब आ रहा है। अरे कुछ अजीब नहीं आ रहा है, एक काम ना करो, समीकरण एक में से दो को घटा दो या जोड़ दो, जो मन में आए वो करो, सबसे आंसर निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ ही देते हैं, आपको जो मन में आए वो कीजिएगा, समीकरण एक और प्लस समीकरण दो को जब ऐड कीजिएगा तो देखिए रूल ये कहता है कि बराबर के एक तरफ वाले को एक तरफ और उधर वाले को एक तरफ जोड़िए, इससे भी बन सकता है, नहीं तो समीकरण एक को ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, बी से बी कटा दो, इस तरह से बन सकता है, आपकी मर्जी। समीकरण एक में दो को जोड़िएगा तो इधर वाले को इससे और इधर वाले को इससे जोड़िए, नहीं तो समीकरण लिख के जोड़िए। हम एक काम करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ए माइनस बी बराबर में इसको जोड़ दीजिए, आपको समझ आएगा। ऐसे बहुत लड़के को जब ये वाला दोनों सामने सामने लिख के बी से बी काटा जाता है ना तो कन्फ्यूज जाता है, क्योंकि उसमें सिंबल वगैरह बदलना पड़ता है, इसीलिए जोड़ने में तो नहीं लेकिन घटाने में बदलना पड़ता है। यहाँ देखिए बी में से बी, ये कहानी खत्म, ए के ए के कितना ए टू ए, और ये हो जाएगा आपका नब्बे, जब कटाइएगा तो हो जाएगा फोर्टी फाइव, ए बराबर कितना आ गया पैंतालीस डिग्री। ए का मान एक निकल गया कि नहीं, अब बी का मान निकलना है, ए का मान ले जाके किसी समीकरण में भर दो, ए का मान ले जाके यहाँ रख दीजिएगा तो बी का मान निकल जाएगा। समीकरण एक में रखिए, ए का मान किसी में रखिए, आजाद है, मैथ कहता है बेटे तुम आजाद हो, जो करना है वो करो, फुल इंजॉय करो और मैथ तब बनाओ। ए का मान समीकरण एक में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन, मतलब ए का ठीक है, एक समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, यानी कि ए प्लस बी बराबर साठ, यही ना है। अब ए का मान कितना आया है 45 प्लस बी बराबर साठ, ये प्लस में है और नंबर को नंबर के पास भेजो तो ये माइनस में हो जाएगा, बी बराबर साठ माइनस पैंतालीस, तो बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री हो गया। तो ये आपका बी का वैल्यू निकल गया, ए और बी निकल गया कि नहीं, और वही तो निकालना था ए अभी। यहाँ देखिए इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों का योग हमेशा जीरो से बड़ा है कि नहीं, तो देखिए तो 15 और 45 दोनों को जुड़ेगा तो जीरो से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है कि 90 से या तो छोटा हो, ए बी को जोड़ा जाए 90 से या तो छोटा हो या 90 के बराबर हो, तो जब ए का मान 45 और बी का मान 15 कीजिएगा तो हो जाएगा 60, तो 90 से बराबर तो नहीं है लेकिन रूल कह रहा है छोटा भी हो सकता है तो छोटा है, तो ये दोनों ये भी रूल फॉलो हो रहा है। तो ये आप समझ रहे हो, इधर मत जाओ बाबू, इधर इधर रहो, उधर तुम्हारा एरिया ना है ठीक है। तो ये आपको तीन नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक को तो दबाते रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन 8.2 का देखते हैं, बहुत ईजी वे में मैथमेटिक्स कहाँ उतारना है आपको पता है ना। अब कमेंट में बताइए कि मैथमेटिक्स को यहां उतारना है कि यहां, देखते हैं आप कितना कमेंट करें। तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट लास्ट वाला क्वेश्चन, यहां डिग्री देखते हैं। यहां कह रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये बताइए कि कौन सा सही बात है कौन सा गलत बात है, और इसके बाद से कारण भी बताना है कि क्यों गलत है। समझिए, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी लिखा है, तो क्या साइन ए प्लस बी और साइन ए और प्लस साइन बी ये दोनों चीजें क्या होता है, मतलब दोनों सेम होता है, बराबर होता है। तो यहां समझिएगा, अगर ए का मान हम रखें 30 और बी का मान रखें अपने से कुछ भी रखते हैं 60, तो यहां पे 30 और 60 रखेंगे तो 30 और 60 कितना जाएगा, साइन 30 और 60 90 होता है तो साइन 90 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 90 का मान होता है एक, कितना होता है एक। क्या साइन 30 और साइन 60 दोनों का मान लिख के जोड़ा जाएगा तो एक आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है असत्य है। कारण क्या है, क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका योग का आंसर कुछ अलग आएगा और इसका आंसर कुछ अलग आएगा, दोनों आंसर इक्वल नहीं हो सकता है। यहां समझिए, थीटा में वृद्धि किया जाए, थीटा में वृद्धि का मतलब क्या होता है, अगर थीटा का मान एक बार रखिए 0, एक बार रखिए कितना 30, वृद्धि कर रहे हैं ना जी, थीटा के मान में 45 और एक बार रखिए ऐसे 60 फिर 90, अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। यहां देखिए, साइन थीटा के मान में अगर वृद्धि किया जाए तो क्या, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि किया जाए तो क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ता है, क्वेश्चन नहीं समझे। यानी थीटा का मान एक बार 0 रखिएगा साइन में, यहां पे थीटा का मान बढ़ाइएगा 30, फिर एक बार 45, फिर एक बार 60, फिर एक बार 90, तो क्या इसका वैल्यू भी बढ़ते आएगा, तो एक बार साइन
थीटा का मान जीरो रखिएगा तो इसका आंसर कितना आता है, साइन जीरो होता है जीरो। एक बार अगर इससे बढ़ाइए, थीटा के मान को बढ़ाइए साइन 30, तो इसका आंसर कितना होता है 1/2। फिर एक बार थीटा के मान में वृद्धि कीजिए साइन 45, तो होता है 1/√2। आप देखिए, तो जब भी हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, जीरो से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा ये है। अगर फिर हम लिखेंगे साइन 60, तो इसका वैल्यू होता है √3/2, जो इससे भी बड़ा है। अगर लिखेंगे साइन 90, थीटा के मान को बढ़ाए हैं तो इसका वैल्यू होता है 1। तो थीटा के मान में वृद्धि करने से साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, ये बात सत्य है। क्या ये सत्य है? लेकिन अगर बात करें कि थीटा का मान में वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक, तो क्या कॉस थीटा में वृद्धि होगा? तो ये मामला फंस सकता है। लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक बार कॉस लिखते हैं, कॉस एक बार जीरो लिखेंगे, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक। उसके बाद से थीटा का मान बढ़े, कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ऊपर से हो जाएगा आधार √3/2, क्या होता है √3/2, उधर से हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी कि अगर 1, 2, √3 का बात करें तो यहां 30 के लिए हो जाएगा आधार, हो जाएगा। अगर कॉस 45 लिखे तो ये हो जाएगा 1/√2। यहीं से देखिए मामला घटना शुरू हो गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करने से बढ़ना चाहिए, तो ये तो बढ़ गया लेकिन ये नहीं बढ़ पाया। तो यहीं से डायरेक्ट एक और उपाय है, साइन 0 होता है, सॉरी कॉस 0 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, तो सॉरी कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 होता है आपका 0। तो यहीं से देखिए ना, थीटा के मान में वृद्धि हुआ है, यहाँ थीटा है क्या 0 डिग्री, और यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री। तो जब ये बढ़ गया है तो इसके मान भी तो बढ़ना चाहिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये बढ़ा ही नहीं, एक से बड़ा होना चाहिए, तो ये 0 हो गया। तो यहीं से ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा असत्य, ठीक है। ये आप इतना समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ देखिए, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा का मान कुछ भी भरिए, क्या है दोनों बराबर होगा? तो चलिए भर के देख लेते हैं। थीटा का मान 0 भरिए, अगर थीटा बराबर 0 भरे तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 और यहाँ हो जाएगा कॉस 0। ये दोनों पूछ रहा है बराबर है, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, कहाँ दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी क्या लिखा है, असत्य लिखा है, क्या लिखा है, असत्य है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर a का मान 0 डिग्री भरिएगा, a का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो क्या cot a परिभाषित नहीं होगा, यानी उसका कोई आंसर नहीं आएगा। नीचे अगर 0 आ जाता है, बट्टा में नीचे अगर 0 आ गया तो समझिए परिभाषित नहीं है। तो cot 0 का मान कितना होता है, अगर आपको याद है तो इसको आपको कमेंट में बताना है। cot यहाँ a के जगह पर 0, इसका मान क्या परिभाषित नहीं होता है? अगर इसका मान ऐसे आ रहा है तब तो ये परिभाषित नहीं है, सही है, लेकिन इसका मान अगर कुछ आ रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो cot 0 का मान आप कमेंट में जरूर बताइए कि कितना होता है, ठीक है। साइन 0 कितना होता है, तो cot 0 कितना होगा? हमारे हिसाब से ये क्या है, अपरिभाषित है, ये बोला है परिभाषित नहीं है, अपर ये सत्य है। आप इसका वैल्यू भर के बताइएगा कि यहाँ पे cot 0 कितना होता है कमेंट में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही एक्सरसाइज जबरदस्त लगा होगा, और यहाँ तो उतर ही गया होगा, मोहब्बत तो हो ही गया होगा, ठीक है, बहुत शानदार लगा होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, और फॉर्मूला का जबरदस्त ट्रिक लेकर के आएंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।